पटना में बैठक हुई। इस बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है। वस्त्र एवं चर्म उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 की अवधि का विस्तार 30 जून 2024 तक कर दिया गया। इसके अलावा भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 5 पद और आशुलिपिक के अनावश्यक 53 पदों को विलोपित करने का फैसला लिया गया। बिहार वास्तविक सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को भी, यहां पर आपको बता दें कि इस बैठक में मुहर लगी है। कुल 8 एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रथम, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो राज्य में बायोफ्यूल्स हैं, विशेषकर जो फीड स्टॉक से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनता है, बायोगैस से बनता है, और जितने अन्य बायोलॉजिकल मटेरियल है जो उत्पादन होते हैं, उससे जो गैस बनती है, उसका कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन जो है, उसके यूनिट्स पर अनुदान इस नीति के अंतर्गत मिलेगी। इसमें 15% है कैपिटल सब्सिडी और अधिकतम 5 करोड़ है, और महिला अनुसूचित जाति अति पिछड़ा के लिए 15.75, अधिकतम 5.25।